नमस्कार दोस्तों, AIIB 19 का फॉर्म भरने वाले सभी कैंडिडेट्स का एक ही क्वेश्चन है कि सर जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। और सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो ओल्ड लॉ है क्रिमिनल लॉ वो आएंगे या फिर न्यू क्रिमिनल लॉ आएंगे, CRPC, IPC एविडेंस एक्ट आएगा या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, BNS, इनमें से क्या आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। आपके जो डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, AIIB 19 की लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की, फॉर्म रजिस्ट्रेशन की आपकी 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर तक का इंतजार ना करें, 25 अक्टूबर से पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लें अपना, क्योंकि लास्ट डेट में जाकर साइट बिजी हो जाती है, हैंग हो जाती है, जिससे कि आपकी अपॉर्चुनिटी फॉर्म फिल करने की रह जाती है। जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं कि 24 नवंबर को एग्जाम होने जा रहा है। 24 नवंबर 2024 को आपके सभी सेंटर्स का, आपके एग्जाम टाइम का, डेट का आपको 18 नवंबर को पता चल जाएगा। अपने AIIB एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी को लेकर बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स के डाउट हैं कि कौन से हम क्रिमिनल लॉ पढ़ें। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि क्रिमिनल लॉ आपको पुराने ही पढ़ने हैं, क्योंकि आपने जब LLB की तो पुराने क्रिमिनल लॉ पढ़ के ही LLB की है, और जो नए क्रिमिनल लॉ है वो अभी तक पाठ्यक्रम में जारी नहीं हुए हैं, पाठ्यक्रम में लागू नहीं हुए हैं। साथियों, आपने जो LLB की है वो पुराने क्रिमिनल लॉज को पढ़कर की है, नए क्रिमिनल लॉ अभी लागू हुए हैं 1 जुलाई से, तो आपको पुराने क्रिमिनल लॉ ही पढ़ने हैं। और अभी तक मेन बात यह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ऐसी कोई भी सूचना बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से AIIBE की साइट पे नहीं दी गई है, जिससे हमें यह पता चले कि कौन सा क्रिमिनल लॉ आने वाले हैं, नए या पुराने। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है 99% तक आपके पुराने क्रिमिनल लॉ आएंगे, तो आप अभी उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और यह बात 100% डन है कि पुराने क्रिमिनल लॉज में से ही आपका AIIB 19 का पेपर लिया जाएगा। अब आप किस तरह से तैयारी करें और एक शॉर्ट पीरियड में किस तरह से अपना एग्जाम निकालें, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम कैसे निकाल लें, तो इसके लिए कंप्लीट वीडियो बनाए हुए हैं हमारे चैनल पे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टाइम टाइम पर आपको नोटिफिकेशन, अपडेट्स और जो आपकी तैयारी है उससे संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगे, किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाकर और कौन कौन से एक्ट्स को पढ़कर आप वहां पर जा सकते हैं। AIIB ओपन बुक एग्जाम है, आप अपने जो बेर एक्ट्स हैं वो लेके जा सकते हैं और वहां पर उनको देखकर उनके अकॉर्डिंग आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि AIIB एग्जाम है, ओपन बुक एग्जाम है। ओपन बुक एग्जाम का मतलब है कि वहां पर आप अपने जो बुक हैं वो लेके जा सकते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि कौन सी बुक लेके जा सकते हैं। AIIB 17 से पहले आप अपने बुक्स, नोट्स या कुछ भी लेके जा सकते थे, लेकिन उसके बाद से नोटिफिकेशन में साफ बताया गया है कि आप सिर्फ बेर एक्ट लेके जा सकते हैं, जो हैंडी बेर एक्ट होते हैं वो लेके जा सकते हैं आप, और वो भी विदाउट शॉर्ट नोट और विदाउट कमेंट के होने चाहिए। तो जब आप AIIB के लिए अपने बेर एक्ट्स खरीदें तो ये ध्यान रखें कि लैंग्वेज आपकी कोई भी हो सकती है, लेकिन वो विदाउट शॉर्ट नोट और विदाउट कमेंट के होने चाहिए, क्योंकि अगर जाकर बाद में आप जब परीक्षा में प्रवेश करना चाहेंगे और आपको रोक दिया जाएगा कि आप ये बेर एक्ट नहीं लेके जा सकते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही अवेयर होकर इस तरह के बेर एक्ट लेके आए जो विदाउट शॉर्ट नोट और विदाउट कमेंट के हों, और जिससे कि आप उनसे पढ़ाई करेंगे तो उन्हीं बेर एक्ट्स को जब आप एग्जाम सेंटर पे लेके जाएंगे तो आपको अपना क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर देंगे। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं कि किस तरह से मैं तैयारी करूं और किस तरह से मैं पहले अटेम्प्ट में ही मेरा AIIB क्लियर कर दूं, मुझे दोबारा अटेम्प्ट ना देना पड़े, तो इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं जो AIIB अपडेट के नाम से है। वहां पर आप देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे AIIB से रिलेटेड ही। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।